एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने तीन बच्चे और अपने पति कालू कौवे के साथ रहा करती थी। कालू कौवा बहुत मेहनती था, जिसकी वजह से टुनटुनी को खाने पीने की कोई कमी नहीं होती थी। कालू कौवा दिन रात खेती बाड़ी का काम किया करता था। उससे जो भी पैसे मिलते थे उससे वो अपने घर का खर्च चलाया करता था। एक दिन की बात है, कालू कौवा जंगल में खेती का काम करने जा रहा था, तभी उसे जंगल में कुछ जालिम पक्षी घेर लेते हैं जो उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं। तो कालू कौवा कहता है, अरे भाइयों, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? आप लोग मेरे को क्यों मार रहे हो? आखिर मेरी गलती क्या है? आप लोगों को मेरे से जो चाहिए आप लोग वो ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। मेरे तीन छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा? और मेरी बीवी घर पे अकेले है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन कालू कौवे की एक नहीं सुनते और कालू कौवे को जान से मार देते हैं। और इधर टुनटुनी चिड़िया अपने पति के इंतज़ार में अपने तीनों बच्चों को लेकर घर पे बैठी रहती है। समय बीतता जाता है, लेकिन कालू कौवा घर वापस लौटकर नहीं आता। तो टुनटुनी चिड़िया समझ जाती है कि शायद कालू जी को किसी ने जान से मार दिया, लेकिन ये बात वो अपने बच्चों को नहीं बताती। लेकिन उसकी छोटी बेटी बहुत चालाक थी, तो वो पूछती है, मम्मा मम्मा, काफ़ी टाइम हो गया लेकिन पापा तो अभी तक घर नहीं आए, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? तो टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे नहीं नहीं चिंकी बेटा, तू ऐसा क्यों सोच रही है? तेरे पापा बाहर कमाने के लिए गए हैं। अच्छा तू एक बात बता, यहाँ पे खेती बाड़ी से तो ज़्यादा पैसे मिलते नहीं थे, इस वजह से पापा बहुत दूर चले गए हैं, और वहाँ से जब आएंगे तो तेरे लिए कपड़े और ढेर सारे पैसे लेकर आएंगे। तू परेशान मत हो बेटा, मैं हूँ ना, मैं तुम लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को संभाल लेती है। एक दिन कालू कौवे की माँ चंपा कौवी, जो शहर में रहा करती थी, अपने बेटे कालू कौवे की मौत की खबर सुनकर वो तुरंत घर पे आती है और वहाँ देखती है कि टुनटुनी चिड़िया अपने तीनों बच्चों को खाना खिला रही थी। तो उसकी सास चंपा कौवी कहती है, अरे ओ करमजलि, तूने ये क्या कर दिया? मेरे बच्चे को तूने कैसे मार दिया? मुझे तो पहले से ही पता था कि तू डायन है डायन, चुड़ैल है चुड़ैल, जो मेरे बच्चे को खा गई। चल निकल मेरे घर से। तो टुनटुनी चिड़िया कहती है, माँ जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरी क्या गलती है? मुझे नहीं पता कि कालू जी को क्या हो गया। तो चंपा कौवी कहती है, मुझे तेरा ड्रामा नहीं सुनना, चल निकल और इन तीन मनहूस बच्चों को भी लेकर बाहर जा, मुझे कुछ नहीं सुनना करमजलि, चल निकल मेरे घर से। इतना कहकर चंपा कौवी तीनों बच्चों और टुनटुनी चिड़िया को घर से बाहर निकाल देती है। टुनटुनी चिड़िया के तीनों बच्चे अपने दादी की ये बात सुनकर रोने लगते हैं। तो टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग क्यों रो रहे हो? अभी तेरी माँ जिंदा है, चलो हम लोग किसी दूसरे शहर चलते हैं और वहाँ पे अपना घर बनाकर खुशी खुशी रहेंगे। मैं बहुत मेहनत करूँगी बच्चों, तुम लोग ऐसे उदास मत हुआ करो। तेरे पापा चले गए तो क्या हुआ, तेरी माँ अभी जिंदा है। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने तीनों बच्चों को लेकर दूसरे जंगल के लिए निकल जाती है। और जब रास्ते में जाती है तभी ज़ोर से आंधी तूफान और बारिश आ जाती है। लेकिन टुनटुनी चिड़िया को रहने के लिए तो कोई घर नहीं था, इसलिए टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ के नीचे अपने तीनों बच्चों को लेकर बैठ जाती है। लेकिन बारिश कहाँ रुकने वाली, तीनों बच्चे बिल्कुल भीग जाते हैं। तो टुनटुनी चिड़िया सोचने लगती है कि शायद जंगल के कुछ पक्षियों से मैं मदद मांग लूँ। तो टुनटुनी चिड़िया हरी तोती के पास जाती है और कहती है, अरे ओ काकी काकी, दरवाज़ा तो खोलो। तभी हरी तोती आती है और कहती है, हाँ हाँ टुनटुनी, बोलो क्या बात है, इतनी रात को कहाँ आना हुआ? तो टुनटुनी कहती है,
काकी काकी देखो ना, बाहर कितनी जोर से बारिश हो रही है और मेरे तीनों बच्चे भीग रहे हैं। आज रात के लिए मुझे अपने घर में आसरा दे दो, कल मैं अपने तीनों बच्चों को लेकर बाहर चली जाऊंगी। तो हरी तोती कहती है, नहीं नहीं टुनटुनी, मेरे घर में कोई जगह नहीं है, चल निकल यहाँ से, तेरे तीन बच्चे और तुझे मैं कहाँ रखूँगी, अरे ज़रा सा भी तो शर्म कर, चल निकल यहाँ से। फिर टुनटुनी चिड़िया कई सारे पक्षियों के दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन उसे रखने के लिए कोई तैयार नहीं होता। फिर उदास मन लेकर वो अपने बच्चों के पास चली जाती है। अगली सुबह हो जाती है और बारिश भी बिल्कुल बंद हो जाती है और उसके तीनों बच्चे सोए रहते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया की नींद खुलती है और वो चिल्लाने लगती है, बच्चों बच्चों, ओ चिंकी पिंकी, गोलू बेटा उठो, देखो ना बारिश बंद हो गया है बेटे, चलो हम लोग किसी दूसरे जंगल चलते हैं और वहाँ पे अपना घर बनाएंगे। टुनटुनी चिड़िया की ये बात सुनकर उसकी दोनों बेटियाँ चिंकी और पिंकी दोनों उठ जाती हैं, लेकिन गोलू नहीं उठता। तभी टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी चिंकी से कहती है, अरे ओ चिंकी बेटा, तुम दोनों तो उठ गई, लेकिन देखो ना अभी गोलू नहीं उठा है, उठा दो बेटा गोलू को भी। तो चिंकी अपने भाई गोलू को उठाने लगती है, कहती है, गोलू गोलू उठो ना, देखो मम्मा दूसरे जंगल जा रही है, नहीं चलोगे क्या तुम, गोलू उठो ना, ओ गोलू। लेकिन गोलू चिंकी की एक नहीं सुनता, क्योंकि वो तो इस दुनिया में था ही नहीं। फिर टुनटुनी चिड़िया को भी ये एहसास हो जाता है कि उसने अपने बेटे को खो दिया। फिर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है, हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया, मेरे बेटे को भी छीन लिया, पहले कालू जी को और फिर मेरे बेटे को, अब मैं क्या करूं। अपने माँ के रोने की आवाज़ सुनकर उसकी दोनों बेटियाँ भी रोने लगती हैं, लेकिन टुनटुनी चिड़िया अपने आंसू पोंछती है और अपनी बेटियों से कहती है, बेटा तुम दोनों मत रो, हम किसी दूसरे जंगल चलेंगे और वहाँ पे अपना दूसरा घर बनाएंगे। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को चुप करा देती है और दोनों बच्चों को लेकर दूसरे जंगल के लिए निकल जाती है और रास्ते में सोचने लगती है, हे भगवान, मैं कैसी माँ हूँ जो अपने बच्चे को भी नहीं बचा पाई, तो मुझे हिम्मत दे भगवान कि मैं अपने दोनों बच्चियों को सही सलामत यहाँ से कहीं दूर लेकर जा सकूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया दूसरे जंगल पहुँच जाती है और वहाँ पे ढेर सारे लकड़ियाँ इकट्ठा करके एक लकड़ी का बहुत सुंदर घर बनाती है और उस घर में टुनटुनी चिड़िया और उसकी दोनों बेटियाँ खुशी खुशी रहने लगती हैं।